लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में बड़ा गणपति से कृष्णपुरा तक होने वाली सड़क चौड़ीकरण को लेकर सेंट्रल लाइन पर कई व्यापारी ने आपत्ति दर्ज करवाई है। हालांकि इस मसले पर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह का कहना है कि नगर निगम ने सेंट्रल लाइन डालने में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया है। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने कहा कि यदि किसी भी व्यापारी को सेंट्रल लाइन पर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। शिकायत का समाधान होने के बाद ही नगर निगम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। इंदौर नगर पालिका निगम शहर के मध्य क्षेत्र का ट्रैफिक सुगम करने के लिए बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा तक सड़क चौड़ीकरण मुहिम चलाने वाला है। इस मुहिम से पहले नगर निगम ने पूरे मार्ग पर सेंट्रल लाइन डाल दी है। हालांकि कई व्यापारियों ने सेंट्रल लाइन डालने में पक्षपात का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ निगम आयुक्त आशीष सिंह ने व्यापारियों के इन आरोपों पर अपना जवाब दिया है। निगम आयुक्त आशीष सिंह का कहना है कि सेंट्रल लाइन डालने में नगर निगम ने किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया है। आशीष सिंह के मुताबिक यदि किसी भी व्यापारी को सेंट्रल लाइन पर आपत्ति हो तो वह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत का निराकरण होने के बाद ही नगर निगम अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। वहीं इन सभी विवादों के बीच नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को मल्हारगंज क्षेत्र में सेंट्रल लाइन डालने का काम किया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। देखिए, जब कभी भी सेंट्रल लाइन डाली जाती है तब कहीं न कहीं दोनों पक्ष, चूँकि जब भी सेंट्रल लाइन इधर से उधर होती है तो किसी न किसी साइड के लोगों के हित प्रभावित होते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत जो है विरोध होता है, लगभग हर रोड में हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन हमारे पास में पर्याप्त रूप से दोनों तरफ के सैंक्शन जो है मैप्स हैं, TNCP के लेआउट सैंक्शन हैं, इसीलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने जो सेंट्रल लाइन डाली है, अगर उस पर किसी को आपत्ति है तो वो स्वतंत्र है उस आपत्ति को लिखित में हमारे पास प्रस्तुत करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। जो भी उसकी आपत्ति होगी उसके बेसिस पे हम लोग पुनः एक बार चेक कराएंगे और उन आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही फिर आगे की कार्रवाई। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।